बयान से बौखलाए चीनी राष्ट्रपति। ट्रंप ने कोरोना को कहा चीनी वायरस। अमेरिका और चीन के बीच तनाव किस हद तक बढ़ गया है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुरी तरह तिलमिला उठे और उन्होंने एक ऐसा कठोर कदम उठाया जिससे अमेरिका सकते में आ गया है। ये तो हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया पर संकट बनकर मंडरा रहा कोरोना वायरस चीन से ही शुरू हुआ है। सबसे पहले चीन के वुहान शहर में ही कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद से ये वायरस बड़ी तेजी से दुनिया के 120 से भी ज्यादा देशों में तबाही बनकर टूट पड़ा। पूरी दुनिया इससे परेशान है, महाशक्ति अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। अमेरिका में तो कोरोना की वजह से नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को चीनी वायरस कह दिया। ट्रंप ने जब कोरोना को चीनी वायरस कहा तो ये सुनकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुरी तरह भड़क उठे और उन्होंने इसके बाद अमेरिका के सभी बड़े पत्रकारों को देश से निकालने का फरमान सुना दिया। इनमें द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट और द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे जुड़े बड़े पत्रकार हैं। चीन की ये कार्रवाई अब तक की सबसे कठोर कार्रवाई मानी जा रही है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप ने कहा कि कोरोना चीनी वायरस है, जिसके बाद चीन के बड़े अधिकारी ने दावा कर दिया कि अमेरिकी आर्मी ने ही वुहान में इस वायरस को फैलाया था और अब इसके बाद चीन ने अमेरिकी पत्रकारों को बाहर निकाल दिया। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी पत्रकारों को हांगकांग और मकाओ समेत चीन के किसी भी हिस्से में पत्रकारिता की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अमेरिकी मीडिया हाउस को चीन में अपने स्टाफ, संपत्तियों, कामकाज और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के बारे में लिखित जानकारी देने को कहा गया है। ये वही नियम है जो अमेरिका ने चीनी मीडिया पर लागू किए हैं। चीन का कहना है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ने भी उनके पत्रकारों को बाहर कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने उनकी सरकारी मीडिया के चुनिंदा पत्रकारों को ही रहने की अनुमति दी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी चीन पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि मुझे चीन के फैसले पर दुख है, इससे पूरी दुनिया में स्वतंत्र पत्रकारिता को झटका लगेगा। वैश्विक संकट के दौर में चीन के लोगों को अधिक सूचनाएं और ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने फैसले पर फिर से सोचेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चीन और अमेरिका आमने सामने आए हों। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर चरम पर पहुंच गई थी और साउथ चाइना सी को लेकर भी दोनों देशों के बीच तनाव बना ही रहता है।